खटीमा में लुइयाहेड पावर हाउस से क्षेत्र के उद्योगों को विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत लाइन लुइयाहेड के जंगल से होकर जाती है, जिस कारण बारिश व अन्य आपदा आने पर विद्युत आपूर्ति घंटों तक बाधित रहती है, जिससे क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसलिए उद्योगों की मांग पर राज्य सरकार द्वारा लुइयाहेड पावर हाउस से उद्योगों तक 1,90,00,000 की लागत से बनने वाली 33 KV पोषक भूमिगत केबल लाइन का निर्माण कराया जा रहा है। आज खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने 33 KV पोषक भूमिगत केबल लाइन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वहीं विधायक धामी ने कहा कि यह भूमिगत बिजली की लाइन बनने से खटीमा के उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिल सकेगी, जो क्षेत्र के उद्योगों की सालों की मांग थी वह जल्द पूरा होने जा रही है। वहीं अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग खटीमा दीपक सैनी का कहना है कि विद्युत विभाग को 20 भूमिगत विद्युत लाइन बनने से काफ़ी फायदा होगा। एक तो मेंटेनेंस कम हो जाएगा, साथ ही अभी तक विद्युत विभाग को जहां खटीमा के उद्योगों से 8 करोड़ के लगभग राजस्व मिलता था, वह बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगा। यहाँ पर हमारा चूंकि ये सीमांत क्षेत्र में जंगल से होकर ये पूरा लाइन जाता था, उसमें इंडस्ट्रियल जो हमारा फीडर है उसको नया बनाया गया है। यहाँ पर इसके बनने से अब क्या है कि जिस समय बरसात के समय में, आंधी तूफान के समय में, ब्रेकडाउन के समय में बहुत परेशानियाँ जो ऊपर से लाइन जाती थी तो उसके कारण से इंडस्ट्री बंद हो जाती थी, उस इंडस्ट्री से हमारे हज़ारों लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिला हुआ है तो वो सब प्रभावित होता था। उसको लेकर हमने बहुत पहले से, चूँकि पिछले लगभग 2-2.5 साल से मैं इसके लिए प्रयासरत था, सभी लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पर जो है इंडस्ट्री के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है, तो 1,90,00,000 रुपये इसके लिए स्वीकृत हुआ है। तो आज इसका शिलान्यास हो गया, जल्दी इसका लोकार्पण भी हो जाएगा। से कि आप जानते ही हैं इंडस्ट्री हमारे मेजर रिवेन्यू सोर्स हैं, उससे क्या होता है कि अगर ब्रेकडाउन होते हैं, जो ओवरहेड लाइंस हैं उनसे ब्रेकडाउन काफ़ी होते थे, तो ब्रेकडाउन को कम करने के लिए माननीय विधायक जी ने पहल की थी। इससे क्या हुआ कि हमारा जो अंडरग्राउंडिंग का प्रोजेक्ट है, इसमें जो करीब 14 किलोमीटर के आसपास इसमें अंडरग्राउंडिंग होनी है, उससे कंज्यूमर जो है इंडस्ट्रियल वाले उनको 24/7 सप्लाई मिलेगी, उससे हमारा राजस्व बढ़ेगा। जैसे हमारा अभी राजस्व 7-8 करोड़ आता है इनका, तो हो सकता है वो इससे एनर्जी हमारी कंटिन्यू सप्लाई होने पर 24/7 पे 8-10 करोड़ हो जाए, उससे विभाग को भी फायदा होगा और कंज्यूमर जो एग्जिस्टिंग है उनको भी फायदा होगा।